कि नेपाल जैसे देशों में आए भूकंप में पीड़ितों की मदद का मामला रहा हो या फिर कोरोना की वैक्सीन दुनिया में कई देशों को मुफ्त में देने की बात रही हो या फिर जीरो हंगर का मुद्दा रहा हो, भारत ने जिस तरह से हर परिस्थिति में आगे रहने का साहस दिखाया है उसका यूएन भी कायल हो चुका है। और इसी सिलसिले में बड़ी खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के अनुरूप जीरो हंगर का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में भारत के महत्वपूर्ण योगदान पर एक इवेंट होस्ट करेगा। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा साझा किया गया एक संदेश पढ़ा जाएगा। इसमें कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। इसकी शुरुआत यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के मुख्य भाषण से होगी। इस दौरान इंफोसिस के फाउंडर चेयरमैन NR नारायण मूर्ति और अक्षय पात्र फाउंडेशन के अध्यक्ष मधु पंडित दासा भी मौजूद रहेंगे। इसका टाइटल है अचीवमेंट इन फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर भारत के कदम में भारत सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा की गई पहल पर चर्चा की जाएगी। ये पिछले 23 सालों में भारत और विदेशों में भूख से निपटने के लिए अक्षय पात्र के समर्पण को भी मान्यता देता है। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा 4 अरब भोजन परोसे जाने की उपलब्धि का जश्न भी मनाया जाएगा। जीरो हंगर को लेकर जो भारत का लक्ष्य है उसमें भी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। आपको बता दें अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना 2000 में हुई थी। ये भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 24,082 स्कूलों के 20 लाख से अधिक बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि भारत हर परिस्थिति में आगे रहना जानता है। पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से भारत ने हर जगह बढ़ चढ़कर सबकी सहायता की है उसका कायल यूएन तक है। हाल ही में भारत के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक टॉप ऑफिशियल को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत हर जगह रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इसराइल हमास युद्ध तक पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाता रहा। भारत ने हर जगह सिर्फ और सिर्फ सबकी सहायता की। भारत की सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।